नमस्कार, मैं हूं अल्पना शर्मा और आप देख रहे हैं देश का पहला मोबाइल इंटरेक्टिव न्यूज चैनल अमर उजाला टीवी। और ये समय हमारे खास प्रोग्राम महासंग्राम का, तो चलिए शुरू करते हैं ये महासंग्राम प्रोग्राम। तो जमीन से वोटर्स से संपर्क साधने की कोशिश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी से वोटर्स को रिझाने की कोशिश अब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से सी प्लेन में सवार होकर धरोई डैम गए हैं और उसके बाद उनका कार्यक्रम है अंबाजी देवी के दर्शन करना। गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव 14 दिसंबर को, प्रचार का मंगलवार को आखिरी दिन, और गुजरात में कहा जा सकता है कि एक मेगा शो, तमाम नेता तमाम पार्टियां लगी हुई हैं वोटर्स को साधने की कोशिश में। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास ये मौका आया जब रिवर फ्रंट में सी प्लेन के जरिए वो धरोई डैम गए और उसके बाद कार्यक्रम है अंबाजी के दर्शन करने का। तो मोदी सरकार इस ब्रिज से उड़ान भरवा चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सी प्लेन के जरिए धरोई डैम गए और वहीं से अंबाजी मंदिर के दर्शन के लिए भी रवाना हो गए। तो जाहिर है चुनाव आयोग ने जिस तरह की परमिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दी थी सड़क रास्ते के जरिए, और ये कहा गया था कि अगर सड़क से सफ़र किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो भीड़ भाड़ होने की संभावना है और ऐसे में अव्यवस्था का माहौल भी पैदा हो सकता है। सो प्रधानमंत्री ने इस अपील का स्वागत किया और ये कहा कि मेरे पास समय है तो मैं सी प्लेन के जरिए धरोई डैम पहुँचूँगा और उसके बाद अंबाजी देवी के दर्शन भी करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पहली बार भी हुआ है जब साबरमती नदी पर बने इस सी फ्रंट पर कोई सी प्लेन उड़ान भरा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये कहे कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो इस सी प्लेन के जरिए धरोई डैम पहुंचे। तो खुद भी प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती से उड़ान भरी और एक चुनावी रैली का भी ऐलान कर दिया। ये कहा कि देश के इतिहास में पहली दफ़ा कोई सी प्लेन साबरमती नदी पर उतरेगा और मैं यानी नरेंद्र मोदी धरोई बांध पर उतरने के बाद सी प्लेन से अंबाजी जाऊंगा और फिर वहां से वापस आऊंगा। तो पीएम ने साथ ही ये भी कहा कि हमारी पार्टी ने दरअसल मंगलवार को रोड शो की योजना बनाई थी लेकिन प्रशासन ने इसकी परमिशन ग्रांट नहीं की थी, मेरे पास वक्त था इसलिए मैंने सी प्लेन से अंबाजी जाने का फैसला लिया। तो उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट किए इस बाबत और एक और ट्वीट इस बाबत किया कि वो मंगलवार सुबह 9:30 बजे सी प्लेन के जरिए अहमदाबाद से धरोई बांध पहुँचेंगे और धरोई बांध तक तो वो पहुँच गए हैं, उसके बाद अब अंबाजी मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम है, वहाँ पर वो मंदिर के दर्शन कर माँ का भी आशीर्वाद लेंगे। तो इस बीच अपनी सरकार की, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं बनाई गई हैं विकास को लेकर, ख़ास तौर से गुजरात जैसे राज्य को लेकर, उन योजनाओं को भी दिखाने से गुरेज नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ धरोई बांध गए और अंबाजी देवी के दर्शन करने का उनका कार्यक्रम है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगी हुई है, चुनाव प्रचार उनका भी जोरों पर चल रहा है और राहुल गांधी मंगलवार को ही अहमदाबाद में भी होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती नदी से सी प्लेन में उड़ान भरी और धरोई डैम पहुंचे और इसके बाद उनका कार्यक्रम है अंबाजी देवी के दर्शन करना। तो आपको बता दें दरअसल सुरक्षा का हवाला दिया गया था स्थानीय पुलिस की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, और बड़े नेता चाहे वो राहुल गांधी हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और या फिर स्थानीय कुछ बड़े नेता इस चुनाव में उभरे हैं, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, ये सब
एक तरीके से अब गुजरात की राजनीति में बड़े नेता के तौर पर ही उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रोड शो की क्योंकि परमिशन नहीं दी जा रही थी, इसी कारण रोड शो को रद्द किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये फैसला लिया कि वो सी प्लेन के जरिए धरोई डैम पहुंचेंगे और वहां अंबाजी देवी के दर्शन करेंगे। तो एक तरफ हार्दिक पटेल लगे हुए हैं अपने समर्थकों संग रोड शो करने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और अपने पक्ष में वोटर्स को रिझाने के लिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर गुजरात की सरकार हो, दोनों ही तरफ से घेरने की कोशिश राहुल गांधी की लगातार चल रही है। वहीं इस तरफ आप तस्वीर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि चुनाव प्रचार की एक तरीके से जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं, जिम्मेदारी को उठाए हुए हैं। और इस रैली को अगर सड़क के जरिए नहीं निकाला गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा कि उनके पास पूरा समय है गुजरात को देने के लिए। सो ऐसे में सी प्लेन के माध्यम से मैं धरोई डैम पहुंचूंगा और उसके बाद अंबाजी देवी के दर्शन जरूर करूंगा। तो गुजरात में दूसरे चरण के लिए 14 दिसंबर को वोटिंग है और इस चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, कौशिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी और सिद्धार्थ पटेल जैसी बड़ी दिग्गज राजनीतिक हस्तियां हैं अब जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ही हैं, डेरा डाले हुए हैं और अंबाजी देवी के दर्शन करने के लिए कुछ इस तरीके से योजना बनाई गई है कि अगर प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी है रैली की तो सी प्लेन के माध्यम से, सी प्लेन के जरिए धरोई डैम वो पहुंचे और उसके बाद अंबाजी देवी के लिए, उनके दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। तो गुजरात में इस महीने की 14 तारीख को मतदान है। सभी पार्टियों के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को इसी कारण अहमदाबाद में हंगामा भी हुआ। दरअसल हंगामा उस वक्त हुआ जब हार्दिक और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। गुजरात विधानसभा चुनाव अब आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। सभी दल दूसरे चरण के मतदान से पहले वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं। सोमवार को गुजरात में सभी दलों के नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन एक रैली में उस समय हंगामा मच गया जब हार्दिक पटेल और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल अहमदाबाद के बापू नगर में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की रैली निकाल रहे थे। रैली के दौरान पाटीदार संगठन से जुड़े कुछ लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से मारपीट तक की नौबत आ गई। इसी बीच पाटीदार संगठनों की रैली में शामिल कुछ लोगों ने स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार के कार्यालय पर पत्थर भी फेंके। आपको बता दें कि हार्दिक की इस रैली के लिए स्थानीय प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी हार्दिक ने अहमदाबाद में 15 किलोमीटर लंबी रैली निकाल अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हार्दिक के अलावा अहमदाबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रैली को भी रद्द कर दिया था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, अहमदाबाद। गुजरात चुनाव के दूसरे फेज के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने रविवार को एक बड़ा धमाका किया। कांग्रेस ने इसे वोटों का ध्रुवीकरण करार दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया कि कांग्रेस से निलंबित मणिशंकर अय्यर के घर पाकिस्तानी डिप्लोमेट के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल रहे। पीएम मोदी ने जिस बैठक की बात की है, क्या है वो बैठक, क्या वो सच में हुई थी बैठक, और इस बैठक का पूरा सच जानने के लिए ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। के मणि शंकर ना करे पाकिस्तान ना हाई कमिश्नर पाकिस्तान ना एक भूतपूर्व विदेश मंत्री
भारत ना भूतपूर्व उपराष्ट्रपति अने भारत ना भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आम मणिशंकर ना घरे मीटिंग मळी पाकिस्तान ना हाई कमिश्नर साथे आ प्रकारनी गुप्त मीटिंग करवानुं कारण शुं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर के घर हुई पाकिस्तानी डिप्लोमेट की बैठक की बात गुजरात चुनाव में उछालकर जो धमाका किया उसका असर नतीजों पर कितना पड़ा ये तो 18 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इस बैठक की सच्चाई क्या और कितनी है ये भी समझने की जरूरत है। बीबीसी ने वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा से इस बैठक के बारे में पूछा। प्रेम शंकर झा पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के सूचना सलाहकार भी रह चुके हैं। प्रेम शंकर झा ने जो कुछ भी बताया वो कुछ इस तरह है। यह बैठक 6 दिसंबर को हुई थी और करीब 3 घंटे चली। इस बैठक में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी थे। ये एक निजी मुलाकात थी क्योंकि कसूरी साहब और मणिशंकर अय्यर पुराने दोस्त हैं। इस बैठक में भारत पाक रिश्तों को कैसे बेहतर किया जाए इस पर बात हुई थी। अय्यर और खुर्शीद की इस बैठक में गुजरात पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में अहमद पटेल का कोई नाम नहीं लिया गया। इस बैठक में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद थे। मैं कश्मीर मसले पर लिखता रहा हूं और मणिशंकर अय्यर का दोस्त हूं इसलिए मुझे भी बुलाया गया था। प्रेम शंकर झा ने यह भी कहा कि मणिशंकर अय्यर और खुर्शीद महमूद के पास कोई पद नहीं है, ऐसे में कोई किसी से मिलता है तो इसमें गलत क्या है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उसे अपने चुनावों में घसीटना बंद करे और अपने दम पर चुनाव जीते, जिसके जवाब में लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को सलाह न देने की बात कही। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में हमें नसीहत नहीं दे और नरेंद्र मोदी जी के बारे में बिल्कुल नसीहत नहीं दे। हमें देश के लोकतंत्र पर गर्व है और देश में कौन जीतेगा यह भारत की जनता तय करेगी। लेकिन एक बात का आश्चर्य जरूर है कि आनंद शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया कांग्रेस के नेता कि कोई बैठक नहीं हुई मणिशंकर अय्यर के घर पर। आज के अखबारों में इंडियन एक्सप्रेस में उस बैठक में कौन कौन थे पाकिस्तान की ओर से, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी गए थे, बाकी लोग गए थे, ये बातें स्पष्ट हैं। तो एक बैठक हुई है और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बैठक गुजरात के चुनाव के समय होती है और आज पाकिस्तान कहता है कि हमें भारत के इस मामले से कोई मतलब नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तान कांग्रेस को भी बचाने की कोशिश कर रहा है? यह गंभीर सवाल है। तो महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। इस प्रोग्राम की कोई भी खबर अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल ब्राउजर में टाइप करें www.amarjalatv.com और देखिए खबरों को अपने वक्त और मिजाज के हिसाब से। साथ ही हमारे नए फेसबुक पेज अमर उजाला टीवी को भी आप लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई वीडियो है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पेज amarujala.com/video पर आएं और वहां अपलोड योर वीडियो में अपना वीडियो अपलोड कर दें। नमस्कार।